केंद्र सरकार है उसी का है, जो बोलेंगे उसी का आएगा, लेकिन कौन कौन चीज बोलते हैं, वो हर चीज बोलते हैं अपना, तो उनको अपने ढंग से लोग बोलते हैं बिना मतलब की बात है। अपोजिशन ने कहा तो जब काम करना चाहिए ना, तो काम नहीं हो रहा है, जहाँ घटनाएं घट गई तो उसी के बारे में भी कोई बयान नहीं, हाउस चलता है, बाहर घूमते रहते हैं, तो ये सब पहले होता था जी। हम लोग थे जब तक एमपी थे और सरकार में भी श्रद्धेय अटल जी के सरकार में थे या उसके पहले भी सरकार में थे, अब आप समझिए उस समय सब लोग रहते थे, आप अभी लोग नहीं रहते हैं, अपना कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो हमको देखिए, आप चूंकि एक बात हम खाली कह देते हैं, हम आप लोगों को हाथ जोड़ करके कह देते हैं कि अब जो है एक तरफा ही कुछ कुछ छपते रहता है, अब और लोग जो बोला उसका खबर नहीं आता है, और दिन भर छपता है कि क्या बोल रहे हैं, तब उसको देखने की क्या जरूरत है, अब तो हम देखना घटा दिए, तो इसलिए कोई मतलब नहीं। और ये अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है किसी बात को रखना, तो उसको रख रहे हैं, तो उनको दे, तो अब तो उनको परेशानी है ही न जी, अब इतनी पार्टियां एकजुट हो रही है, यही पटना से शुरू होकर के अब जानते हैं तीसरा भी अब होने वाला है, तो ये सब होने के बाद सब एकजुट होंगे और मिल करके, और जो कुछ भी होगा कि आगे क्या होना चाहिए, किस तरह से इस देश के विकास के लिए काम होना चाहिए, वो सारी बातें तय करके किया जाएगा। हम इंडिया का तो और कौन कहां से लड़ेंगे वो सब तय हो जाएगा, अब तो मीटिंग चल रही है, शुरू हो गई है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सब चूंकि हो रहा है तो परेशान है लोग, तो अपना रहे परेशान, हम लोग क्या जाएगा। 2024 में बीजेपी साफ हो जाएगी बिहार से? बिल्कुल बिल्कुल, आप पक्का जान लीजिए, इसलिए घबराहट में है, अब इस बार तो आप अच्छी तरह जान लीजिए, जो हम इतने दिनों से लोगों को अनुरोध किए थे सब एकजुट हो गए हैं, अब इसका नतीजा जान लीजिए, देश के लोगों का अगर आप सही से पता कर लीजिए, तो लोगों को लगता है कि ये लोग सिर्फ बिना मतलब का खाली प्रचार प्रसार करते हैं, कोई काम होता है जी, कोई विकास का काम हो रहा है, बोलिए ना, यहाँ पर जो भी काम किया है हम लोग न किए हैं जी, लेकिन लोग अपने से बोलने लगता है, हर घर नल का जल हम लोग शुरू किए तब लोग अपने बोलता है, उनका लिए है, आप बोलिए सब तक बिजली पहुंचाए, सब कुछ किए, तो सब हम ही लोग न किए हैं, और सारा काम करके जब हम लोग शुरू किए तो उन लोगों को लगा ही करना चाहिए, अब जो करते, लेकिन ये सब कोई मतलब नहीं, सब राज्य में लोग अपने ढंग से बहुत काम किया है, और यहाँ पर तो आप जानते हैं, आप विशेष राज्य का दर्जा का मांग किए तो नहीं न किया, अब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता बिहार को तो आप सोचिए कितना आगे होता, आप बिहार को भूल जाते हैं, सबसे पौराणिक स्थल है, सबसे पुराना जगह है, देख लीजिए इतिहास पूरे तौर पर, कई लोग के लिए कुछ नहीं करते हैं, अपना कुछ भी करते रहते हैं, तो चलिए छोड़िए, आप बोलता है हम लोगों के बारे में बोलता है, कोई कोई आजकल बयान देता है ना ये तीसरे नंबर पर है, तो यही सब ना बोलता है, हाँ हम लोग भी तीसरे नंबर पर थे 2005 में भी, और हम लोग तीसरे नंबर पर न थे, क्या थे बताइए, 2005 में जब जीते तो कितना वोट आया हम लोगों को, आ कितना बीजेपी को आया, दूसरे को कितना आया, आ 10 में क्या हुआ 118, आ दूसरे को कम आया, तो कहेगा कि हम ही ज्यादा हैं, इस बार तो हम लोगों के साथ जो किया गया है, हराने का किया गया है, एजेंट को खड़ा करके अपना वोट दिया है, ये सब सब धंधा किया है, तो वो सब करके ना ये हालत हुआ है, और जब कभी चुनौवा हो जाएगा तब फिर आपको पता चलेगा, जनता को मालूम नहीं है जी कितना काम करते कहता है हमको, हम चाहते थे, आप इस बार आप जानते हैं हम नहीं बनना चाहते थे, और हमने मना कर दिया, 3-4 दिन 5 दिन वो लोग लगे रहे कर दिए, तो उन लोगों की बात हम मान लिए फिर, लेकिन अब उसके बाद आप समझ लीजिए तो ये सब हुआ है, आप बोलते रहता है कुछ, बीजेपी आप फिर 2014 में 2 सीटों पर नीतीश कुमार थे, वो भूल गए क्या, संसद में दावा किया कि आपका, अब आप वही ना सोच रहे हैं, तो वो भूल गए 2009 में
हम और वो साथ लड़े तो 2009 में हमको आया कितना 20, आप बीजेपी को साथ लड़ाए, हम लड़े थे 25 और उसको 15, तो हम जीते 20 और वो जीते 12, तो ये सब चीजवा भूल रहे हैं ना। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।